बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट टू की बुक से लेक्चर नंबर 53। और जो टॉपिक हमने इसमें स्टार्ट करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, जो कि 4 से 6 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। तो आज ही हमारा नॉर्मलाइजेशन का पहला लेक्चर है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डेटाबेस के टेबल्स को मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस के मुताबिक देखते हैं और उन कंडीशंस के मुताबिक उसमें से एरर्स को रिमूव करते हैं। और हमारा पूरा मकसद ये होता है कि हम एक ऐसी डेटाबेस हासिल कर लें जो कि प्रॉब्लम फ्री हो और रिलायबल हो और कंसिस्टेंट हो। तो इस नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमें नॉर्मलाइजेशन का मकसद भी इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। यानी कि इससे हमें ये बात कंफर्म हो गई है कि नॉर्मलाइजेशन का जो बुनियादी मकसद है, बेसिक पर्पस जो है वो है डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में लेकर आने के लिए, ताकि हर किस्म की रिडंडेंसी, एनोमलीज से जो और डिपेंडेंसी से जो है ना वो हमारा डेटाबेस जो है वो फ्री हो जाए। और हमने नॉर्मलाइजेशन को ग्राफिकली भी एक्सप्रेस करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो सवाल जवाब शुरू करते हैं इसका। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर। यानी कि जब हम एक ऐसी डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाएं जो कि रिलायबल भी हो और सिंपल भी हो, तो ऐसी डेटाबेस बनाने का जो अमल है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को अगर हम ज़्यादा डिफ़ाइन करें तो ये मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है, जो हमने वन बाय वन करके डिस्कस करनी है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर स्टोरिंग डेटाबेस। इधर जो है वो आपने सेट लिखना है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ए सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस, मसलन सूटेबल जो टेबल्स का सेट होगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ टेबल इज़ कॉल्ड डेटाबेस। तो हम इसको नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने के लिए जो सूटेबल डेटाबेस है उसको क्रिएट करने का जो अमल है वो नॉर्मलाइजेशन से मुकम्मल होगा। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस और वर्किंग के हवाले से बात करते हैं। दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इस प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज को हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। और ये जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी, और HNF हायर नॉर्मल फॉर्म होगी। इस तरह बहुत सारी नॉर्मल फॉर्म हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ना वो हमने ये 3 ही डिस्कस करनी है। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन। हर स्टेज की, हर नॉर्मल फॉर्म की अपनी कंडीशंस हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो रिलेशन डेटाबेस में इन कंडीशंस को और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, पूरा उतरेगा इन कंडीशंस पर, तो वो रिलेशन उस नॉर्मल फॉर्म में कहलाने का हकदार भी होगा। फिर इसको समझ लें, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टन रिक्वायरमेंट्स। हर नॉर्मल फॉर्म की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर कंडीशंस हैं, या चेक्स हैं। दीज कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड टू ब्रिंग द डेटाबेस। और इन कंडीशंस को ज़रूर फुलफिल करना पड़ता है डेटाबेस को उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए,
इफ़ अ रिलेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म, अगर कोई रिलेशन उस नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इट इज़ सेट टू बी इन दैट नॉर्मल फॉर्म, तो हम उसको उस नॉर्मल फॉर्म में ही कहेंगे। यानी कि जो भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस होंगी और रिलेशन उन नॉर्मल फॉर्म को पूरा करेगा, तो फिर हम कहेंगे कि वो रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। इसी तरह अब मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो इस प्रोसेस में ये बात आप ध्यान में रखें कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त आएगा जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को भी पूरा कर रहा होगा और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन या रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करे। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसका मतलब यह है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को पूरा करने के बाद ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आया है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो हम प्रोसेस करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम्स को और फिर उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट भी हम करेंगे इसी प्रोसेस के अंदर। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको करेक्ट करना, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में शामिल होगा। और उसके बाद जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और करेक्ट कर लेंगे, तो फिर हम एक प्रॉब्लम फ्री डेटाबेस जो है ना क्रिएट करेंगे, जो कि सिंपल भी होगा, रिलायबल भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन की हर स्टेज को थॉरली स्टडी करेंगे। और अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको ये प्रोसेस का एक ग्राफिकली व्यू दिखाया जा रहा है कि हर नॉर्मल स्टेज में हमें क्या करना पड़ेगा ताकि एक रिलेशन जो है वो उस नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। नॉर्मलाइजेशन कैन बी डिफाइंड ग्राफिकली एज, आप सपोज़ करें कि हमारे पास एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, अगर इस अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन के अंदर से हम रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर दें, तो हमारा रिलेशन जो है वो फर्स्ट एनएफ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एनएफ की जो कंडीशन है वो ये है कि ए रिलेशन इज़ इन फर्स्ट एनएफ इफ़ देयर इज़ नो रिपीटिंग ग्रुप, अगर इसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है तो हम ऐसे रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद, रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करने के बाद, अब हम अपने इस टेबल या रिलेशन के अंदर से पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे, तो ये हमारा रिलेशन सेकंड एनएफ में आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम सेकंड एनएफ, जैसे हमारा ये रिलेशन आ गया है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि इसके अंदर ना तो पार्शियल डिपेंडेंसी है और ना ही रिपीटिंग ग्रुप है। और उसके बाद जब हम इस रिलेशन के अंदर से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, तो हमारा रिलेशन थर्ड एनएफ में आ जाएगा। और थर्ड एनएफ में रिलेशन आने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ना इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ना ही पार्शियल डिपेंडेंसी है और ना ही रिपीटिंग ग्रुप है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद अगर हम एनोमलीज को ख़त्म करते हैं, तो हमारा रिलेशन हायर नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, जो कि ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। हमने अपने सिलेबस के मुताबिक थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, रिपीटिंग ग्रुप को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ़।